मंदिरों में तोड़फोड़, उधर भड़क गया योगी का गुस्सा। मंदिरों में तोड़फोड़ करने वालों को सरेआम दी गई सजा, हर कोई रह गया सन। तोड़फोड़ करने वालों पर लगेगा NSA। योगी के आदेश के बाद मौलानाओं में मची भगदड़। चुन चुन कर दिया गया हिसाब, आरोपियों का हो रहा सफाया। सर ओडिशा हादसे में मदद पहुंचाने में जुटे थे योगी, इधर थी योगी के पीछे बड़ा खेल करने की तैयारी। योगी के इस धाकड़ अफसर ने अनहोनी रोक ली। उत्तर प्रदेश में योगी के रहते हुए ही वो अनहोनी हो गई, जिसके बारे में योगी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उधर योगी आदित्यनाथ ओडिशा में हुए हादसे में लोगों को मदद पहुंचाने में जुटे हुए थे। रेल मंत्री से फोन पर बात कर रहे थे, मोदी के साथ प्लानिंग बना रहे थे, और इधर उनकी नाक के नीचे ही बहुत बड़ा खेल कर दिया गया। योगी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से उनकी पीठ में कोई छुरा घोंप देगा, लेकिन सच यही है कि योगी को बहुत बड़ा धोखा मिल गया। लेकिन धोखा देने वाले शायद ये भूल गए कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो गलती उन्होंने की है उसकी कोई माफी नहीं होगी, और सीधे बुलडोजर से बाबा हिसाब कर देंगे। बीते कुछ महीनों में योगी बाबा का बुलडोजर किस तरह से माफियाओं पर गर्जा है, ये सभी ने देखा है। लेकिन इसके बावजूद बुलंदशहर में मंदिरों में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की हिम्मत जुटा ली। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कुछ मंदिरों में घुसकर उसमें तोड़फोड़ की गई। एक मंदिर में तोड़फोड़ की बात सामने आती तो शायद योगी आदित्यनाथ फिर भी बख्श देते, लेकिन एक साथ चार मंदिरों में तोड़फोड़ की बात सामने आई तो योगी आदित्यनाथ का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया, और उन्होंने तुरंत अपने सबसे काबिल अफसर को आदेश देते हुए कह दिया कि आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। योगी से आदेश मिलने भर की देरी थी और बाबा का बुलडोजर तुरंत बुलंदशहर के लिए रवाना हो गया, और अब आरोपी बिल में छुप कर भाग रहे हैं। उन्हें हर वक्त यही डर सता रहा है कि कभी भी उनका घर तोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कुछ अज्ञात लोगों ने रात के अंधेरे में चार मंदिरों पर हमला कर दिया, जिसके बाद तुरंत यूपी पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया है। यही टीम अब उन लोगों की तलाश कर रही है जिनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। योगी की तरफ से आदेश एकदम लाउड और क्लियर है कि किसी भी कीमत पर आरोपियों को बख्शा ना जाए। उन पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि उनकी सात पीढ़ियां उसे भूल ना पाएं। असल में बुलंदशहर में चार मंदिरों में कई मूर्तियों को खंडित करने की घटना सामने आई है। पाकिस्तान में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी, लेकिन अब योगी के उत्तर प्रदेश में जब ये खेल हो गया तो योगी आदित्यनाथ का गुस्सा भड़कना भी लाजमी है। इस मामले से हिंदू समुदाय के लोग काफी ज्यादा नाराज हैं और वो आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलेगा और उन पर NSA के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि वहां हालात